गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है संडे, मैं कर रही हूँ व्लॉग। तो बेसिकली आप जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं, ये वाला व्लॉग उस व्लॉग से थोड़ा अलग होने वाला है एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो डू लेट मी नो कि आपको इस तरह का व्लॉग पसंद आया है कि नहीं आया है, एंड ऑल्सो इसका जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा अलग होने वाला है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, 8:30 अराउंड हो चुका है और मैं सो के उठी हूँ। और अभी मैं सबसे पहले अपनी व्लॉगर फ्रेंड को स्काइप कॉल करने वाली हूँ, वीडियो कॉल करने वाली हूँ। आई थिंक काफी सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते होंगे। तो आर यू इंटरेस्टेड टू मीट हर? लेट्स गो। हेलो रुचि। हाय किरण, हैप्पी संडे। क्या हैप्पी संडे यार। हाँ सही बोल रहे हो। वैसे विकी से बीजेपी करवाया? हाँ, मैंने आज विकी से झाड़ू पोछा बर्तन सब करवा लिया है। ये सही किया, वैसे भी मैंने भी अपना बीजेपी राज से ही करवाया है। बस विक्की के सहारे फिलहाल तो घर का काम चल रहा है। हाँ मेरे भी यहाँ यही हाल है। ब्रेकफास्ट बनाया आपने? नहीं। हाँ अभी मुझे भी बनाना है। क्या बना रही हो? आज मैं एक्चुअली लंच थोड़ा सा हैवी बनाऊंगी, तो इसलिए ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा लाइट बनाने वाली हूँ। मुझे भी पूरी सब्जी बनाना है। चलो मैं जाती हूँ। एंड गाइस, आज तो आप सभी मेरा रूटीन देख लीजिए। और हाँ, रुचि के सारे व्यूअर्स को मैं आज अपना रूटीन दिखाऊंगी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लंच। आर यू गाइस रेडी फॉर इट? यस, हम सब रेडी है, लेट्स गो। ओके गाइस, तो यहाँ से अब आप देखने वाले हैं किरण का रूटीन। और मेरा रूटीन देखने के लिए आपको किरण के चैनल पे जाना पड़ेगा कि आज मैंने क्या बनाया है। गुड मॉर्निंग, तो रुचि के सारे व्यूवर्स को मैं किरण इंडियन मोमेंट ड्यूटी हेलो एंड गुड मॉर्निंग करती हूँ। एंड फोन बज गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस। वैसे संडे को अगर किसी का फ़ोन आए तो समझ जाइए कि मोस्ट प्रोबेबली मम्मी होती है। तो मम्मी का फ़ोन था कि बेटा क्या कर रही हो? मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं, बस अभी नाश्ता बना रही थी। फिर मम्मी ने थोड़ा सा डांट भी लगाई, दिस इज़ द टाइम जब तुम नाश्ता बना रही हो। मैंने बोला यस। होता है मम्मी की डांट, जब तक ना खाओ सुबह नहीं होती है, वो बचपन से आदत लगी। और संडे को तो डेफिनेटली डांट पड़ती है, पहले उठने के लिए पड़ती थी और नाश्ते के लिए पड़ती है कि जल्दी बनाया करो। सो रुचि भी मुंबई से है, मैं भी मुंबई से है, आप तो जानती हो राइट। और रुचि को काफ़ी बार आपने मेरे घर पर देखा होगा, मैं रुचि के घर पर आज तक नहीं गई हूँ। और ये है राज। राज हेलो कर दो। हाय। लेट उठने के बाद हम लोग कुछ ऐसे दिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे मुंडे नीचे ऐसा उसे दिखाना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि किरण ने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। अभी मैं बना रही हूँ पूरी भाजी। तो उसके लिए ये भाजी के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर गर्म होते ही इसमें मैं तेल डालूंगी। मेरे घर पर ना पूरी भाजी जब अनिका स्कूल जाती थी तब बहुत बनता था, क्योंकि अनिका को बहुत ज्यादा पसंद है पूरी भाजी। और आज संडे को बन रहा है क्योंकि एक आध दिन थोड़ा सा ऑयली खाना पूरी एंड भाजी बन सकता है राइट। रोज़ तो वैसे ही बहुत ही सिंपल हम लोग नाश्ता करते हैं, तो संडे को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल नाश्ता हमारे लिए पूरी भाजी बहुत ही मतलब पसंद है सबको। और रुचि में और मेरे में ना एक चीज़ कॉमन है, पता है मुझे ऐसा लगता है, रुचि को कितना लगता है पता नहीं, हम दोनों के भी हस्बैंड को कुकिंग पता है फर्स्ट। और दोनों के ही हस्बैंड इतने 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 ज़्यादा ऑनेस्ट है कि अगर आपकी चीज़ गंदी है तो दोनों के हस्बैंड गंदी ही बोलेंगे। वो बड़ा चढ़ाकर वाव नाइस अच्छा किया ये सब नहीं बोलेंगे। लाइक दोनों के जो हस्बैंड है वो लाइक इतने ज़्यादा ऑनेस्ट है कि मुझे जैसे लगता है ना भगवान ने इन दोनों को ऐसे रॉ भेज दिया है। इनके अंदर वो वाला फीचर जो होता है ना वो डाला ही नहीं, जिसमें थोड़ा सा आप किसी की तारीफ कर सको। मतलब तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट बहुत रेयर एंड बिलीव करते हैं कि ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू दे हर चीज़ का। एंड उस चक्कर में ना कई बार मतलब मूड भी ख़राब हो जाता है कि यार हमेशा ऑनेस्टगिरी बनी रहती है एंड ऑल। सो ये चीज़ मुझे रुचि के हस्बैंड में और मेरे हस्बैंड में सच में कॉमन लगती है। लाइक ये है, दोनों को कुकिंग भी पता है। चलिए तेल भी एक साइड गरम हो रहा है पूरी वाला और ये सब्जी वाला। तो अब मैं
मैं बनाऊंगी पूरी। सब्जी तो आपने देखा कि मैंने चढ़ाई दी है, और अनिका अभी तक सो रही है, मैं उसे उठाती नहीं हूँ। आई एम लाइक अ गुड मॉम, मैं उसे सोने देती हूँ संडे को, नॉट लाइक माय मॉम की भाई उठो संडे हो या मंडे जल्दी उठो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती कि मेरी बेटी संडे को सोए और एटलीस्ट मुझे उस मेमोरी के लिए याद रखे कि हाँ मम्मी तो मेरी संडे को सोने देती थी, नॉट लाइक मी कि मेरी मम्मी की तरह ही नहीं, मेरी मम्मी तो संडे को भी नहीं सोने देती थी। तो यस, और पूरी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मेरी पूरी देखिए, जो कि छोला भटूरे साइज़ की है, पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं, पर काफ़ी बड़ी बना दी है मैंने, और कुकर सीटी बनाने वाले वाला है। भाइयों और बहनों, पूरी बन गई है। अब मैंने कुकर का ये जो गैस है वो भी बंद कर दिया लगभग 5-6 सीटीज़ के बाद, और अभी भी कुकर में सिटी है तो कुकर को सिटी मारने देंगे। तब तक मैं थोड़ा किचन थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि पूरी भाजी बनाने में थोड़ा किचन फिर से मेरा मैस हो गया है। अच्छा, इस सब्जी को ऐसे ही नहीं सर्व करना है, ये आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या करना है। एक स्टेप और करना है बस, और फिर गर्मा गर्म पूरी भाजी तैयार। कुकर ठंडा हो गया, सॉरी तेल में पानी उड़ गया। तो ये जो आलू है इस समय आपको पूरे ऐसे शेप में लग रहे होंगे, अब हम इसका शेप बिगाड़ेंगे। इस तरह से इन्हें मसल देंगे, इनका पूरा शेप चला जाएगा और इनका खाने में जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा, और ये जो रस्सा है ना थोड़ा पतला हुआ वो भी गाढ़ा हो जाएगा। और लगभग फिर एक मिनट और गर्म करके ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये शार्प एजेस में आलू के मिटा दूँगी, ये रस्सा गाढ़ा हो जाएगा। तो संडे को ना हम लोग कोशिश करते हैं कि नाश्ता एक साथ करें। रोज़ का तो नाश्ता आप सभी को पता ही है कि हम लोग का एक साथ नहीं हो पाता, पर आज के दिन की कोशिश रहती है। पर इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इससे ज़्यादा आसान है नाश्ता बनाना, पर उसके बाद सबको बुलाना टेबल पर वो मेरे लिए बहुत टफ है। जैसे लगता है कि दुनिया की भूख मुझे ही लगी और बाकी किसी को नहीं लगी है। अच्छा, से हेलो रुचि का चैनल है ये। अच्छा अभी? हाँ, तो रुचि के चैनल के सारे व्यूअर्स को हेलो करो। हेलो, किचन साफ़ ना हो जाए ना मुझे खाना बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना बर्तन वगैरह धो लिए जो भी सुबह से निकले थे, और किचन साफ़ कर लिया। अब यहाँ पर मतलब साफ हुई किचन में खाना बनाने में थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो देखा आपने कैसे लगा आपको किरण का ब्रेकफास्ट, और मेरा ब्रेकफास्ट देखने के लिए आपको किरण के चैनल में जाना पड़ेगा। और अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं विकी का फेवरेट आइटम बनाने वाली हूँ लंच में, एंड लेट्स सी कि ये कैसा टर्न आउट होने वाला है, एंड देखते हैं किरण आज क्या बनाने वाली है लंच में। थोड़ा सा फैला हुआ है, कुछ चीज़ें हैं ऊपर निकली हुई, आई नो, बट एटलीस्ट मेरा किचन साफ है वो मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक मैंने अभी अभी बर्तन धोए हैं, बर्तन और सब कुछ साफ कर दिया, तो अब मैं सुकून से कुछ बना पाऊंगी। वैसे बता दूं घर में कुछ भी नहीं है सब्जी के लिए। तो बाल ऊपर की तरफ बांध लिए हैं, क्योंकि अभी रियल जॉब चालू हो जाएगा किचन का, जहाँ पर हमें लगने लगेगी गर्मी, और उससे बचने के लिए सबसे पहले दाल ऊपर, तो दाल नहीं बाल ऊपर बांधने जरूरी है, दाल मेरे हाथ में है। ओके, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पिठौरी। ये एक यूपी और बिहार की रेसिपी है। अम्मा जब ठीक थी ना, मतलब मेरी सास, वो पहले कुकिंग वगैरह करते थे, अभी हालात काफ़ी बदल गए हैं, अब उनकी पूरी रूटीन मुझे करके देनी पड़ती, पर जब वो कुकिंग वगैरह करती थी तब पिठौरी वो बना करती थी। तो उनकी रेसिपी ना मुझे याद है, ये लगभग 8-10 साल पहले उन्होंने बनाया था और मैंने इसे याद रखा था, और जबकि आज घर में सब्जी नहीं है तो पिठौरी बनेगी। अब पिठौरी में कुछ नहीं चाहिए, घर में जो चीज़ें हैं उसी से बन जाती है, कुछ भागम भागने की ये जमा करो वो जमा करो, नथिंग। तो बस दाल निकाल रही हूँ, क्योंकि पिठौरी है, दाल है, तो तुअर की दाल लगेगी।
मतलब आप समझे, पीठ, पीठ मतलब आटा। तो यहाँ पर देखिए गेहूं का आटा मैंने ले लिया है, इसमें पड़ेगा घी, नमक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आटा गूंथ लेंगे, नॉर्मल जैसे गूंथते हैं, बस इसमें एडिशनल होगा कि लगभग 2 बड़े चम्मच घी पड़ेगा, जिसमें इसमें एक मतलब अच्छा फ्लेवर ऐड हो इसके लिए। आप घी स्किप करके तेल भी डाल सकते हैं, बट घी घी होता है फिर तेल होता है, मतलब दोनों में स्वाद का अंतर रहता ही है। और इसमें थोड़ा नमक डाल दूं और फिर क्या, बस आटा गूंथेंगे हम लोग। काफी इजी रेसिपी है वैसे ये। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। दाल जो है पूरी कुकनी करनी है, लास्ट की 1 या 2 सीटी रह जाए उससे पहले ही दाल को बंद कर देना है, ठीक है। और रोटी बना लेनी है थोड़ी सी मोटी मोटी, फुलके वाली पतली नहीं, हल्के सी मोटी। और फिर उस रोटी का क्या करना है चलिए मैं बताती हूँ। तो ये है रोटी, इसके ऊपर ऐसे कट कर लिया किसी भी धारीदार चीज़ से। मेरी रोटी काफ़ी छोटी है और मेरे पास धारीदार ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, ये रोटी बन गई है। आप थोड़ी बड़ी रोटी बनाइएगा, मैंने तो काफ़ी छोटी। और फिर ये जो है इसका फूल बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसा ये बन गया है, ऐसे ही कुछ आपको और बनाने हैं। आपके परिवार में जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप इसे बनाएंगे। दाल जो है इसे मैंने खोल दिया है, मेरे सारी आटे की छोटी छोटी फ्लास जो है इन्हें अब क्या बोला जाता है मुझे भी नहीं पता, तो ये सब जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। और फिर एक बार कुकर की एक विसल लगा लेंगे। तो चॉपिंग यहाँ पर मैंने सारी कर दी है, क्योंकि अब इस कुकर में जो भी है उसे तड़का दिया जाएगा, तो सब कुछ रेडी है। चलिए तड़का देंगे अब। प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, भुन गए हैं बेसिकली अच्छे से। अब मैं ये दाल पिठौरी देखिए इस तरह से है, इसे मैं डाल दूंगी और दाल थोड़ी धीमी से जम देगी, उसमें पानी डाल देती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिख रही है देखिए। और ये जो आटे की मैंने वो डाली थी वो भी नाइसली कुक हो गई है, तो इसे अच्छे से और थोड़ा उबलने दूंगी और फिर ये खाने के लिए तैयार है। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है इसलिए इसका स्वाद मैं और अच्छा नहीं बना पाऊँगी, पर धनिया पत्ती वगैरह डाल देना, आ हा हा हा, फिर इसका स्वाद गजब का हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है आज घर में, बहुत ही अच्छी वाली हवा चल रही है। और ये मेरा जो लंच की रेसिपी है वो तैयार है, उसी को टेबल पर लेकर जा रही हूँ। वैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना, एंजॉय कर रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करके ही बताना होता है। तो वैसे ही मेरा नाइट सूट कैसा लग रहा है, मैं बहुत रेयर पहनती हूँ उस नाइट सूट को, काफ़ी दिनों से आगे रखा है, वो भी यानी शायद मुझे भेजा था और मैं इसे बहुत रेयर पहनती हूँ, पता नहीं क्यों, पर है बहुत अच्छा गर्मी के दिनों के लिए तो और भी अच्छा है। तो और इस पर देखिए क्या लिखा है, यू आर अ डायमंड, समझे आप लोग, डायमंड हो, मैं बेच कर बहुत सारा पैसा कमा लूंगी। किडिंग गाइस, चलिए बहुत गर्म है। ओके चलिए, तो पिठोरी जो है हमने खा ली है, खाने में बहुत ही कम समय लगा क्योंकि बहुत ही यम्मी बनी। तो वो जो पिठोरी है ना वही कम पड़ गई जो मैंने फूल हमारे यहाँ पर दाल ढोकली बोलते हैं इसको, और इसमें थोड़ा सा ऐसे मूंगफली वगैरह भी चलता है, बहुत ही अम्मी बनाता है। इतना फटाक से खत्म हो गया वो, तो अच्छा हुआ मैंने चावल भी बनाया है। तो चावल और दाल अभी खा रहे हैं हम लोग, पिठौरी खत्म हो गई। तो उतना तो खत्म करो बेटा, पहले खत्म कर लो।
तो अनिका अपने नाना नानी से बात कर रही है और नाना नानी पूछ रहे कि याद आती है, तो बोलती नहीं मुझे किसी की याद नहीं आती है। पर अब क्या बोले बेचारी कि याद आती है, क्योंकि याद आने से भी कोई आएगा नहीं मिलने, तो इससे अच्छा ये बात अच्छी है कि नहीं आती है याद, है ना। अनिका के लिए पास्ता बना रही हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं। हाँ, खाना खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ा सा। तो ये था मेरा एक छोटा सा रूटीन रुचि के चैनल के लिए। आई रियली होप आपने पसंद किया होगा, और बस यहीं पर मैं स्टॉप करूँगी खुद को और आगे रुचि कंटिन्यू करेगी। तो थैंक यू सो मच रुचि फॉर शोइंग माई रूटीन ऑन योर चैनल, एंड बाय 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 विकी, बाय रुचि। ओके, सो आई एम बैक अगेन। और कैसा लगा आपको किरण का रूटीन? बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत डेली तो ये बोलते हो, प्रॉपर परफेक्ट। चलो perfect. तो हमारी जो सब्जी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। तो यस, अभी शाम को भी हम लोगों ने वही पूरी बनाई थी और आलू की सब्जी बच गई थी, तो वही हम लोगों ने खाया है। कुछ नया नहीं बनाया बिकॉज हम लोग दो लोग ही रहते हैं अभी। जैसे जिनके घर में बहुत सारे लोग रहते होंगे, फैमिली रहती होगी, बच्चे रहते होंगे, तो फिर वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें डिमांड भी करते होंगे और वो बनाते भी होंगे। बट हम लोग दो लोग रहते हैं तो एज सच ना विक्की की कोई ऐसी डिमांड रहती है, ना मेरी कुछ ऐसा कुछ वो रहता है। अगर हमको लगता है कुछ स्नैक वगैरह खाना होता है तो हम शाम को थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट क्योंकि हमने काफ़ी ऑयली खाया था आज, हमने काफ़ी हैवी चीज़ें खाई हैं, तो हमने कोई भी स्नैकिंग अवॉइड किया है, मतलब बैलेंस करने के लिए, ताकि वो यू नो अभी इतना सारा ऑयल खा लिया है। तो कल हम एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे फॉर श्योर, और दूसरी चीज़ हम लोग एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मेक श्योर करेंगे कि कल कुछ हल्का फुल्का सा खाएं, तो हेल्दी खाएं या कुछ हल्का फुल्का सा खाएं, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक्चुअली ये मेरा प्लानर है जिसको मैं फिल इन करती हूँ, और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे मेनटेन करते हो। ट्रस्ट मी, मैं आपको अपना जो अप्रैल वाला मंथ है ना वो दिखाती हूँ। आज कितनी हो गई, 10th हो गई है, एंड आई एम वेरी बैड एट इट। मैंने, आप देखो मेरा जो अप्रैल है पूरा खाली पड़ा हुआ है, मतलब लिटरली इट्स ब्लैंक, इट्स टोटली ब्लैंक। मैंने अपने हैबिट ट्रैकर में कुछ नहीं डाला है, यहाँ कुछ नहीं डाला है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। तो अभी मैं वही मेनटेन करने वाली हूँ। इवन मैं अभी तक क्या करती थी ना, यहाँ पर एक फ्रंट में एक पेज होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर एक पेज होता है जिसका नाम है बजट, जिसका नाम होता है बजट। तो यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं वो फिल करती हूँ, मतलब कि जनवरी में मेरा क्या था, फरवरी में क्या था, मार्च में क्या था, अप्रैल में क्या था। तो अभी मैं सोच रही हूँ अपना पूरा डेटा निकालती हूँ और सब कुछ उसमें लिखती हूँ, क्योंकि इस बार 2 महीने से मेरा मिस आउट हो चुका है, विच इज़ नॉट गुड अगेन। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का फॉर माय नाइट स्किन केयर, मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी मिनरल क्ले फेशियल फ्रोम इंस्टेंट ब्राइटनेस वाला फेस वॉश। और इस जब तक ये नहीं आया था, ये मुझे पीआर पैकेज में आया है, और जब तक मुझे ये नहीं आया था मैं ये प्लम का ग्रीन टी वाला यूज़ कर रही थी, और इसके पहले मैं आहा ग्लो यूज़ करती थी, मेडिकेटेड वाला जो आता है वो। बट क्योंकि मैंने आपको रिव्यू किया था कि ये बहुत अमेजिंग है, और इसका मेरे पास सिर्फ एक ही फेस वॉश रखा हुआ है, और ये क्योंकि अभी आ चुका है तो ऑब्वियसली भी ऐसा टाइम चल रहा है, नया परचेस नहीं करने। So washed my face. Now I'm going to apply a face mask. And ये वाले packaging में आया था, so I'm going to use this. Time to wash this face mask. So yes, I have just washed my face, और मेरा जो स्किन केयर है उसमें सिर्फ मैंने रोज वाटर को स्प्रिंकल किया हुआ है। समटाइम्स यू हैव टू यू नो लीव योर स्किन लाइक दैट ओनली, आपको ऐसे खाली छोड़ देना चाहिए, इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाना चाहिए। सो इवन आई हैव नॉट अप्लाइड अ टोनर एज वेल, मैंने सिर्फ रोज वाटर हल्का सा स्प्रे किया है अपने फेस पे, एंड येस दैट्स इट, दैट्स इट। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।